अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लर्न टू सर्वाइव। आई एम फैजान हमदानी और आज क्यूरियस फैक्ट्स की एपिसोड 7 में आपको वाकई में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपकी क्यूरियोसिटी के साथ साथ आपके होश भी उड़ा देगा। दोस्तों, हमने आज तक अपनी जिंदगी में कई बारिशें देखी हैं। कुछ तो हल्के पानी की बारिशें थी और कुछ में तो आपने ओले गिरते भी देखे होंगे, पर इन सब का ताल्लुक जरूर पानी से था। पर आज जिस बारिश की बात हम करने जा रहे हैं वो है मछलियों की बारिश, वो है मेंढकों की बारिश और तो और वो है सांपों की बारिश। तफसीलात से बात करेंगे, पर इससे पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को भी छू लीजिए। सो दोस्तों, इस प्रोसेस को रेन ऑफ एनिमल्स भी कहते हैं और ये बारिश सदियों में एक दफ़ा हुआ करती है। तारीख में इसका रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें अक्सर सांप, मेंढक वगैरह कुछ किलोमीटर्स तक हवा में पानी के साथ ऊपर जाते हैं और जिस जगह गिरते हैं वो लोग कहते हैं कि आज हमारे इलाके में मछलियों की बारिश हुई। 1794 यानी 1794 में फ्रेंच के एक इलाके लिली में कुछ सिपाहियों ने मेंढकों के गिरने की एक बारिश देखी। यूरो के लोगों का कहना है कि उनके यहाँ हर साल गर्मियों में मछलियों की ऐसी ही एक बारिश होती है जो हमारे लिए तो यकीनन एक हैरान कुन इफेक्ट है। मेम्फिस सिटी का एक किस्सा बहुत मशहूर है कि 1877 यानी 1877 में यहाँ एक बारिश हुई जो कि किसी हॉरर मूवी के सीन से कम ना थी। दरअसल उस बारिश में पानी के साथ साथ कई कई फीट लंबे काले सांप भी ज़मीन पर बरसे। पहले तो लोगों ने ये कहा कि शायद ये सांप ज़मीन से निकले हैं, पर जब उन्होंने अपनी छतरियों समेत ये सांप ऊपर से गिरते देखे तो यकीनन वो लोग दंग रह गए। मैकल रॉय की एक किताब एनिमल्स टीचर्स हीलर्स की डिस्क्रिप्शन में उसका कहना है कि ज़रूरी नहीं कि ये सांप ही हों, पर कोई कीड़े भी तो हो सकते हैं, पर ऐसे कोई कीड़े आज तक दुनिया में पाए ही ना गए और वहाँ के लोग इस वाक़े का मुंह बोलता सबूत थे। पहले तो अक्सर साइंटिस्ट ने ये सारा किस्सा एक मनगढ़ंत कहानी समझा, पर 1775 यानी 1775 को फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री ने इस पर सीरियसली काम शुरू किया और आज साइंस इस प्रोसेस को टोरेंडो वाटर स्पोर्ट्स का नाम देने पर मजबूर हो गई। दरअसल ये फिनोमिना पानी में आने वाले जलजले या किसी समुद्री तूफान का सबब है जिसमें पानी में मौजूद अक्सर जानदार एक वाटर स्पोर्ट के जरिए बादलों तक पहुंच जाते हैं एंड वाटर स्पोर्ट्स की हाइट तकरीबन 160 किलोमीटर से भी ज़्यादा होती है और ये पानी और जानदार जब दोनों बादलों में जम जाते हैं और बारिश के दौरान पानी के साथ साथ ये जानदार भी ज़मीन पर गिरते हैं तो इस इंसान की अकड़ और होश दोनों उड़ जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।